जो लोग बहुजन समाज के ओट से पुरवा विधायक बने, आज उन्होंने पुरवा वालों को धोखा देने काम किया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस ओट से बने हो उसको धोखा दिया, उस ओट को। इसका अपमान का बदला पुरवा के एक एक जनता लेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2022 का धमाका हो चुका है। सपा बसपा भाजपा सबने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। राजधानी लखनऊ से लगी सीट पुरवा, उन्नाव की ये पुरवा सीट है, जहां पर बहुत कांटे का चुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर बसपा से भाजपा में आए अनिल सिंह और सपा से पूर्व में चार बार विधायक रहे उदय राज और बसपा के विनोद त्रिपाठी चुनाव मैदान में हैं। विनोद त्रिपाठी बसपा के लिए नया चेहरा हैं और पूर्व में जिला पंचायत रहे हैं। विनोद त्रिपाठी से बात करेंगे कि वो क्या सोचकर मैदान में उतर गए हैं और उनका क्या जनाधार है। आप सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ साथ पुरवा विधानसभा का इतिहास बदलने वाला है। पुरवा विधानसभा ने पूर्व को भी देख लिया है और प्रेजेंट को भी देख लिया है। पुरवा विधानसभा में जो किसानों की समस्या है, किसान जो है घर में सोने के बजाय रात में खेत में सोना पड़ता है और जानवर खेत चरे जा रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। महंगाई अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो सिलेंडर 350 रुपये का था, आज 1200 रुपये का हो गया है। और जो सरकार 5 किलो गेहूं 2 किलो चावल देने काम कर रही है, उससे जनता कुछ भला होने वाला नहीं है। और पुरवा विधानसभा एक नया नेतृत्व चाहती है। जो सिंडिकेट चल रहा पुरवा में, राजनीति नहीं हो रही है, विधायकी सिंडिकेट की इसकी तरह चलाई जा रही है। पुरवा की जनता इसका जवाब देगी। मौजूदा सरकार की कुछ उपलब्धियां बताएंगे? मौजूदा सरकार की उपलब्धि, अरे उपलब्धि नहीं, महंगाई चरम पर है। सड़कें पुरवा विधानसभा की टूटी पड़ी हुई हैं और चिकित्सा की व्यवस्था ये है कि अगर कालू खेड़ा में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कालू खेड़ा वाला रिफर होगा पुरवा, यहाँ का डॉक्टर रिफर करेगा पुरवा, पुरवा का रिफर करेगा उन्नाव, उन्नाव का रिफर करेगा कानपुर। आदमी मर जाएगा, इलाज नहीं मिलेगा, इलाज सिर्फ कागज़ पर चल रहा है, जितनी व्यवस्था है सब कागज़ पर। नहीं तो क्या इससे पहले जैसे सपा की सरकार बसपा की सरकार रही तो वो इससे बेहतर थी? बहन जी की सरकार को देखा आपने, बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था हमेशा दुरुस्त रही है, कानून का राज रहा है। बहन जी की सरकार में आपको याद होगा कि यादव जी बहन जी की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने कुछ काम सरकार के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध कर दिया। बहन जी ने उनको बुला के अपने यहाँ से अरेस्ट कराया था, आपको याद है? वो कानून का राज था बहन जी के शासन में। और उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार बनने वाली है। पुरवा विधानसभा में जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ आपका मुख्य मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी ने, बहुत पीछे लोग हो चुके हैं। जिस दिन से हमारा टिकट हुआ है लोग इतना घबराए हुए हैं कि आपस में खिंचातानी चल रही है, क्योंकि कार्यशैली उनकी लोग देख चुके हैं, तभी लोगों ने उनको नकारा है। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और पुरवा विधानसभा की जनता मेरे साथ है और मैं जनता के सहारे चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे बगल में बच्चा दीक्षित जी कालू खड़ा के प्रधान बैठे हुए हैं, गुड्डन भैया बैठे हुए हैं, राजू वाजपेयी कालू खड़ा बैठे हुए हैं, इनकी ताकत से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या उम्मीद कर रहे हैं? पुरवा विधानसभा कम से कम 50,000 वोटों से बहुजन समाज पार्टी जीत कराएगी, क्योंकि ये मेन जो है बहुजन समाज पार्टी की ही सीट है। ये बहन कुमारी मायावती की सीट है। जो लोग बहुजन समाज के ओट से पुरवा विधायक बने, आज उन्होंने पुरवा वालों को धोखा देने काम किया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिस ओट से बने हो उसको धोखा दिया, उस ओट को। इसका अपमान का बदला पुरवा की एक एक जनता लेगी। अभी तो ये अंगड़ाई है।